दीनानाथ, आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको लेके आया हूँ आज गोल मार्केट के उस एरिया में जहाँ अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली की विधानसभा है, जहाँ पे दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी जी के वजह से 68 दिन से लगातार भोजन किट, राशन किट और सेटेलाइट किट, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के तमाम आइटम्स को लेकर के हर गरीब हर जरूरतमंदों के बीच में रहता है वो दलित शोषित न्याय मंच, जहां उनके हर पदाधिकारी हर वक्त रहते हैं हर गरीब लोगों के बीच में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज भी 68 दिन आज है, आज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी बाँट रहे हैं किट। जी हाँ, कभी कभी सवाल आता है कि ये नहीं लगाते हैं ग्लोव्स, मास्क तो लगा के रखते हैं, ये कहते हैं कि हर गरीब हमारा भाई है इसीलिए हम उनसे परहेज नहीं करते हैं, कोरोना से लड़ते तो हैं, कोरोना की इस महासंग्राम में हर गरीब की मदद तो करते हैं लेकिन उतनी छुआछूत नहीं करते जितना कोरोना बताता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रवि जौहरी का वो दिल है, वो इतने बड़े दिलदार हैं कि अपनी भी जिंदगी को दांव पे रख करके नहीं करते हैं लोगों से छुआछूत, और किस प्रकार से लोगों के बीच में है आप किस प्रकार से देख रहे हैं। इस समय उनके साथ दिल्ली प्रदेश के सचिव सोनू करोटिया लगातार इनके साथ कार्यरत रहते हैं, और यहाँ तक कि आज देखने को मिला उनकी तस्वीरें भी आगे आपको मिलेंगी जो जंतर मंतर तक चिन्हित करके लोगों तक पहुँचे हैं, उन गरीबों को रोटी देने पहुँचे हैं इनके कार्यकर्ता, जो कहीं ना कहीं सराहनीय है। सरकारें जहाँ फेल होती हैं वहाँ पहुँचती है दलित शोषित न्याय मंच। जी हाँ, कितने बढ़िया वो कार्यकर्ता हैं, कितने लोग सोचते हैं, किसको समझ पाते हैं, ये कहीं ना कहीं उन गरीबों के पास पहुँच जाते हैं जहाँ किसी की कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन गरीबों के बीच में राशन वितरण करते समय, जी हाँ, इस राशन किट को आप देख रहे हैं, इस राशन किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, मसाले और 1 किलो तेल और चाय पत्ती के साथ का ये पैकेट है, और किस प्रकार से सबको बांटते जा रहे हैं हर उन गरीबों के बीच में लगातार 68 दिन से लगातार ये जो एक कार्य योजना चल रही है। और वहीं कहीं ना कहीं इनका कहना था कि हम जो है कि जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हम गरीबों के साथ खड़े हैं, ना कहीं लेते हैं किसी सरकार की मदद, ना कोई NGO की मदद, अपने दम पे करने वाला दिल्ली का CM जहाँ झुक जाता है सरकारी ताकत की वजह से भी, सरकारी ताकत लेने के बाद जहाँ दिल्ली सरकार, दिल्ली का CM नहीं दे पाता है गरीबों को मदद, वहाँ ये दलित शोषित न्याय मंच का वह कार्यकर्ता जो रवि जौहरी, जो हर गरीबों को कर देते हैं मदद अपने जेब से, ना किसी की मदद, अपने जेब से, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सराहना की बात है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं गरीबों की मदद, और किस तरीके से पैकेट बांटते हुए आप देख सकते हैं। इस समय सोनू जी पहुंच चुके हैं, सोनू करोटिया दिल्ली प्रदेश सचिव, दलित शोषित न्याय मंच के सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश के। देखिए किस तरह से पहुंचे हैं जंतर मंतर पे, किसको दे रहे हैं, ये एक मुसलमान समाज को, मुसलमान समाज के उन बंदों को दे रहे हैं जो जंतर मंतर पे उनको आवश्यकता थी। तो ये किसी प्रकार की जाति मजहब क्षेत्रवाद और अलग बात की सब राजनीतियों से परहेज करके दलित शोषित न्याय मंच जो नई रणनीति अपनाई है, हर गरीबों के साथ खड़े हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। अभी हम रूबरू होना चाहेंगे दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कुछ जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ किए हैं। जहाँ रावण की ललकार मंदिर नहीं बनेगा, जहाँ लोग करते हैं दलित पे राजनीति, वहीं आप देख सकते हैं कि दलित के सबसे बड़े नेता रवि जौहरी कहाँ कुछ कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए और इस रावण के लिए,
तो रावण और राम में क्या फर्क है आप सुनना चाहेंगे तो सुनिएगा। दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी को इस समय रूबरू होने जा रहे हैं जनसंसद न्यूज में। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये कौन चंद्रशेखर है और कहां से आया, कौन है ये चंद्रशेखर? मैंने तो इस आदमी का नाम आज पहली बार सुना है। बाकी मैं इतना जानता हूं कि ये जिस तरह की गतिविधियों में ये आदमी शामिल है, कभी ये CAA का विरोध करते हुए दूसरे समुदायों का समर्थन करता है, कभी दूसरे समुदायों का, कभी NPR का विरोध करते हुए कभी ट्रेनें रोकने की बात करता है, कभी 3 तलाक का विरोध करते हुए कभी आगजनी में शामिल होता है, कभी तोड़फोड़ में शामिल होता है, और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों पर जूते मारना, थूकना, मतलब उनके साथ अश्लील, उनके उन देवी देवताओं के चित्रों के साथ अश्लील तस्वीरें चिपकाना, अश्लील तस्वीरें लगाना, ये इस आदमी का सिद्धांत है। ये इस आचरण का व्यक्ति है जो देश में ऐसा जहर फैला रहा है। ये तो कोरोना से भी खतरनाक वायरस है। ये तो देश को कहीं ना कहीं, मतलब जातिगत आधार पर और धार्मिक आधार पर अनेक हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है। आप भी एक दलित समाज से हैं और ये भी एक दलित नेता है, तो दलित को ज्यादा तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस धर्म से। दलित होने का अर्थ ये नहीं है कि सारे अधिकार आपको दे दिए गए, देश तोड़ने का अधिकार आपको दे दिया गया, राष्ट्र तोड़ने का अधिकार आपको दे दिया गया है, धर्म और जाति के बीच मतभेद पैदा करने का अधिकार आपको दे दिया गया है। आप सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फॉलो करना होगा, देश के लीगल सिस्टम को फॉलो करना होगा, देश के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होगा, और उसके विरुद्ध जो भी व्यक्ति जाएगा वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोही है। और मैं ऐसे लोगों के लिए मांग करता हूँ जो देश में इस तरह का धार्मिक भावना को आहत पहुँचा रहे हैं कि हमारे धार्मिक देवी देव, हमारी धार्मिक भावना, हमारे देवी देवताओं को, हमारी धार्मिक आस्था पर वो कहीं ना कहीं, मतलब इतना मतलब इस तरह से हमें वो चोट पहुंचा रहे हैं कि मैं सभी दलितों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के वायरस को, इस तरह के जहर को आगे ना पनपने दिया जाए। और ये कौन होता है राम मंदिर बनने से रोकने वाला? ये कौन होता है? किसने अधिकार दिया इसको? ये है क्या? राम मंदिर वहीं बनेगा जहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए। और मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे देश का दलित एकजुट होकर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये कौन चंद्रशेखर है? कौन सुनने वाला है इसकी? तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को, जो उन्होंने पूरे देश की जनता और सभी प्रदेशों के लिए जो घोषणा की है, जो पैकेज दिया है, मैं भारत के प्रधानमंत्री की संवेदना, सरोकार, सहकार, साहस, दृढ़ता और उनकी इस वैचारिक प्रामाणिकता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि अपने देश की प्रजा के लिए उनके मन में जो दर्द का भाव, चिंता का भाव, स्नेह का भाव जो है, और वो कहीं ना कहीं उनके 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा में जो छलका है, मैं इसके लिए उनको नमन करता हूँ। विपक्ष इसमें जितनी चाहे विसंगतियाँ क्यों ना इसमें निकाले, मगर देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं भारत की सरकार के साथ है, और मैं इसके लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कहीं सबसे बड़ा विवादित मामला लिया जाए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, तो वहाँ पे जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना हुआ है वह 15 सदस्यीय ट्रस्ट में केवल एक जातिगत समूह के लोग ज़्यादा पाए गए, यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा पाए गए। भगवान वाल्मीकि और भगवान राम जहाँ सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, वही पे वाल्मीकि समाज का एक भी नुमाइंदा अगर उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक
सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, सबका विकास में कहीं ना कहीं तो कोई प्रश्न तो लग ही रहा, उस पर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर जन्मभूमि जो इस भारत की जनता के लिए बहुत बड़ी धार्मिक भावना का मुद्दा है, और इस मंदिर को, इस मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश ने उन सभी संगठनों का सहयोग किया जो मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट थी। न्यायपालिका सरकार से लेकर, भारत सरकार से लेकर न्यायपालिका तक गुहार लगाई गई। 6 दिसंबर 1992 का दिन जो भारत के इतिहास का बड़ा सुनहरा पन्ना रहा, और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में जो राम मंदिर निर्माण के लिए जद्दोजहद हुई, जो ललकार उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लगाई, उसमें पूरा देश, पूरे देश की जनता एकजुट हो गई। और आज वो प्रमाण है सामने कि राम मंदिर निर्माण के लिए चाहे वो विरोधी संगठन हो, चाहे देश की न्यायपालिका हो, चाहे भारत सरकार हो, सब एक पायदान पर खड़े होकर राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट हैं और सभी की स्वीकृति है। और जहाँ तक भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित या उनके भगवान महर्षि वाल्मीकि के मंदिर निर्माण की बात है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बिना भगवान महर्षि वाल्मीकि के, रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के बगैर रामायण अधूरी है, उसी तरह भगवान महर्षि वाल्मीकि के बगैर राम मंदिर भी अधूरा है। तो जी, जैसा कि आवाज से मैं जाते जाते एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्ति होने में मात्र एक दिन शेष है, आपने लगातार पर डे राशन वितरण और सैनिटाइजर किट, बिस्किट, कॉपी, बच्चों को पेंसिल तक भी आपने बहुत अपने ध्यान से रखा, और सबके घरों जा करके उन गरीब ज़रूरतमंदों को जो घरों में काम करती हैं, जहां कई सरकारें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन लोगों को चिन्हित करके आपने बांटा। तो आज आपने कितने लोगों को बांटा और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्या तैयारी है? और साथ ही साथ दिल्ली से जो हमारा एक अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, वो दिल्ली सरकार का क्या कहना है और उसमें क्या रोल रहा है? देखिए, हम आज हमने 50 से 60 लोगों को राशन किट उपलब्ध कराई है, और इस राशन किट के अंदर हमारा आटा, दाल, चावल, ये प्रत्येक दिन हमारे द्वारा बांटा जाने वाला राशन में ये तीनों चीज़ें प्रमुखता से रखी जा रही हैं। और आज भी हमने आटा, दाल, चावल का वितरण किया है, और ये उन ज़रूरतमंद परिवारों को हम कर रहे हैं। आज गोल मार्केट में हम गोल मार्केट के सभी उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो घरों में मेड का काम करते हैं, जो इन सरकारी मकानों में चौकीदारों का काम करते हैं, ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया है। और हमारी पूरी पुरजोर कोशिश है कि हमारे प्रयास किसी भी वजह से हमारे प्रयासों में कमी ना आए और उन ज़रूरतमंदों तक ये राशन पहुँचे, ऐसी हमारी पुरजोर कोशिश है और आगे तक रहेगी। और जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन अगर आगे भी बढ़ता है तो भी हमारी पूरी तैयारी है, और ये हमारा राशन वितरण इसी तरह चलता रहेगा। और आपने जैसा कहा कि राइट टू हेल्थ पूरे देश, इस देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्या दशा और क्या दिशा है? आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोई अपनी खांसी, बुखार तक का इलाज जाकर कराने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि
वहाँ पर जिस तरह की अव्यवस्था बनी हुई है दिल्ली सरकार द्वारा 40 अस्पतालों में, कि वहीं कोरोना मरीज का बेड पर इलाज चल रहा है और वहीं कोरोना मरीज के बेड के नीचे कोरोना से मृत लोगों के शव पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं डूब कर मरने वाली बात है। बहुत शर्म की बात है इस दिल्ली सरकार के लिए। और ये आज मैं पूछता हूँ केजरीवाल साहब से कि जिन 62 निजी अस्पतालों ने किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत दिल्ली सरकार को आंखें दिखाई और कोरोना के मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया। ये दिल्ली सरकार है केजरीवाल साहब, यहाँ आपकी हुकूमत है। आपका बटन दबेगा तो ट्रेन भी चलेगी, आपका बटन दबेगा तो बस भी चलेगी, आपका बटन दबेगा तो दुकानें भी चलेगी। तो फिर ये 62 निजी अस्पताल क्यों नहीं आपके हुक्म को, आपके फरमान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्यों नहीं इन 62 के 62 निजी अस्पतालों पर ताले लगवा देते आप।